गोवा में बहुत सारे लोगों का 8,000 से 10,000 12,000 ऐसा सैलरी है, 15,000 है, लेकिन आप वहाँ के खर्चा यानी रूम रेंट देना, ये तो वहाँ देना ही पड़ता है, और पानी का करंट का यही 6,000 रुपये तक आपको भरना पड़ता है। तो फिर बचा कितना? ज़्यादा तो कुछ नहीं, 8,000 तक तो आपका बच जाएगा, 15,000 है तो, या फिर 8,000 है तो आपका 2,000 ही बच सकता है। यही फार्मूला, मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ कि आप गोवा को आते वक्त या फिर आए हुए हैं तो इसको आजमा सकते हैं। आपके गांव में रहने वाले ही आपका दोस्त भी गोवा आना चाहते हैं या फिर आपके साथ आना चाहता है, तो फिर उसको भी बुलाकर लेकर आइए। पार्टनरशिप में आप आधा भाड़ा और आधा करंट बिल, आधा पानी का और आधा राशन पानी का, जो भी है जो आप बांट कर ये करेंगे तो आपके पास बच जाएगा। आपके पास भाड़े में 2,000 बच सकता है, 4,000 का रूम है तो, और पानी के बिल में 1,000 रुपये बच सकता है, और एक जो है आता है राशन पानी जो वगैरह वगैरह खर्चा है उसमें भी आपका 1-2,500 नहीं तो 1,000 रुपये तक तो आपका बच ही जाएगा। तो फिर आप समझ सकते हैं आने वाले आपके पैसे में 3,000 रुपये खर्च होंगे 6,000 के जगह। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? आपका 6,000 रुपये में 8,000 में 4,000, हाँ 4 से 5,000 रुपये तक आपका बच जाएगा आराम से। तो फिर आप यहाँ पर बचत कर सकते हैं। पार्टनरशिप ही एक ऐसा तरीका है गोवा में आपको सर्वाइव करने के लिए, बहुत बेस्ट है। लेकिन आपके जो पार्टनर है वो आपका साथ देना चाहिए, हर एक में आपको इक्वली जाना है, भिड़ना नहीं है इसमें उसमें। आप दोनों यहाँ पर कई को आए हैं जॉब करने के लिए, कमाने के लिए और आगे ज़िंदगी में बढ़ने के लिए। आने वाले मुश्किलों को आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों आज का ये इन्फॉर्मेशन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं जो कुछ भी पहले वीडियो में नहीं बता सका आज इस वीडियो के इससे मैंने बताया हुआ है। मेरे चैनल पर जॉब्स रिलेटेड हो या फिर नई नई जगह के बारे में और फ्रॉड्स हो या फिर और कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो, उसका वीडियो भी जल्द से जल्द इसी मंडे से आपके सामने आने वाला है। उसको भी प्लीज़ आप सपोर्ट करें, देखें और मेरा इस चैनल को आगे तक ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब्स के तलाश में रहते हैं और कुछ नहीं समझते हैं जगह के बारे में, उनको समझ में ज़रूर आए। तो फिर दोस्तों फिर एक नई वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।